example is integration from 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. हमने आगे एक एग्जांपल किया था 2x upon 1 plus x square कि जहां डिनोमिनेटर में 1 plus x square था, न्यूमरेटर में 2x था, तो हमने फॉर्मूला यूज करी कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो log modulus of f of x आंसर हो गया। उसी टाइप के एग्जांपल में यहां पे 1 plus x square है, ऊपर tan inverse x है, तो वो मेथड काम नहीं करेगी यहां पे। तो यहां पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन ले, तो हमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा लेना है कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद वो पूरा एग्जांपल सेट हो जाए। तो यहां पे अगर मैं tan inverse x is equal to u ले लेता हूं, तो tan inverse x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon 1 plus x square। तो ये जो 1 upon 1 plus x square dx है वो बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। तो चलिए लेट tan inverse x is equal to u, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। tan inverse x is equal to u, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, x का डेरिवेटिव dx is equal to d। अब फ्रेंड हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे लिया है, तो ये लिमिट भी है वो चेंज होगी। यहां पे जो x की लिमिट है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, वो नई लिमिट हमें u के लिए लिखनी पड़ेगी। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन u एंड x, सो रिलेशन बिटवीन u एंड x इज दिस, tan इनवर्स x इज इक्वल टू u। तो यहां पे हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन, यहां पर हम x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स 0। So u is equal to tan inverse 0. Tan inverse 0 का क्या मीनिंग है कि tan की वैल्यू 0 किस एंगल के लिए होती है, so we know that tan inverse 0 is 0, क्योंकि tan की वैल्यू 0 0 एंगल के लिए होती है, so tan inverse 0 will be 0, so u is equal to 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तब u की वैल्यू भी 0 है। ऐसा जरूरी नहीं हर बार कि अगर 0 वैल्यू है तो u की भी 0 होगी। हमें जो रिलेशन है u और x के बीच में, जो सब्स्टिट्यूशन हमें लिया है, उसमें रिप्लेस करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पे हमने x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी, तो हमें u is equal to tan inverse 0 मिल गया, and tan inverse 0 is 0। चलिए नेक्स्ट वैल्यू है when x is equal to 1 अपर लिमिट, then u is equal to, तो यहां x की वैल्यू 1 यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं, सो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का क्या मीनिंग है कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए है, सो वी नो दैट tan पाई बाय 4 इज 1, सो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, सो u इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब हमने जो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लिया है वो हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे, सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 plus x square dx, ये जो हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो जाएगा, 0 जो लिमिट थी वो लिमिट अब हो जाएगी u equal to 0, तो ये 0, x equal to 1 जो लिमिट थी वो हो जाएगी हमारी u is equal to pi by 4, तो यहां पे हम रख देंगे pi by 4, so lower limit is 0, upper limit is pi by 4, tan inverse x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे u, तो ये हो जाएगा u, और dx upon 1 plus x square, यानी 1 upon 1 plus x square dx, वो हो जाएगा du। So now you can see this example is converted into very easy example by taking this substitution। अब हम इसका integration कर दें, so u का integration हो जाएगा u square by 2, limit substitute कर देनी है 0 and pi by 4, so 1 by 2 मैं बाहर ले लेता हूं, u square, इसमें हम लिमिट कर देते हैं, substitute 0 and pi by 4, so this is equal to 1 by 2 को हम बाहर रखते हैं, पहले हम अपर लिमिट substitute कर देते हैं, so u is equal to pi by 4 का square माइनस, अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोअर लिमिट इज 0, तो u की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें, सो 0 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, और ये 0 है, सो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर
by 32. So integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx is equal to pi square by 32. यहाँ पे फिर से हमने जो सब्सटीट्यूशन लिया है वो वापस रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि यहाँ पे u में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट हमें उसका आंसर मिल गया। नाउ दिस एग्जांपल आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी और रिजल्ट वी कैन से रिजल्ट हमारा ऐसा था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, यानी जो लिमिट यहां लोअर लिमिट में है नेगेटिव में वही लिमिट है ऊपर पॉजिटिव में। तो इस टाइप के फंक्शन का आंसर होता है, इसके दो आंसर है दैट डिपेंड ऑन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो अगर फंक्शन इवन है, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद इवन फंक्शन, इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी माइनस साइन से फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेरिएबल में आप x रखिए या माइनस x फंक्शन विल बी सेम, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, दैट इज f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो वो इवन फंक्शन हो गया। तो अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ये लिमिट माइनस a टू a की जगह पे हो जाएगी 0 टू a f ऑफ x dx। इफ दिस फंक्शन इज इवन then this limit will be 2 times 0 to a f of x dx, but if function is odd, odd function ka kya meaning hai, f of minus x is equal to minus of f of x, yani isme se minus bahar aa gaya for all x of course, then such functions are said to be odd function. To agar ye odd function hai to iska directly answer 0 ho jayega, to hame koi evaluate karne ki zarurat nahi padegi। चलिए यहां पे ये एग्जांपल करना, इंटीग्रेशन माइनस टू 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 एक्स रेस टू फाइव इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डीएक्स। तो यहां पे लिमिट देखिए माइनस टू से प्लस टू है, तो ये इसके साथ में मैच कर रही है, लोअर लिमिट नेगेटिव में जो हो वही लिमिट ऊपर अपर लिमिट होनी चाहिए बट पॉजिटिव। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है हमारा दिस एक्स रेस टू फाइव इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू, उसे हमने फंक्शन ले लिया यहां पे, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। हमें सिर्फ इतना बताया कि साइन इज ऑड फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल अगर करें कॉसेक एक्स इज ऑड फंक्शन, cos x is even function, sec x is even function, तो trigonometric functions हमें पता है। फिर हमें ये पता है polynomial में अगर x है odd function, यानी x की जितनी भी odd powers है x, x raised to 3, x raised to 5, वो सब odd functions है, x square, x raised to 4, x की अगर even power है तो वो even function है। और हमें ये भी पता है कि odd into odd even, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन विल बिकम इवन फंक्शन। तो यहां पर हमें इस फंक्शन के लिए पता नहीं है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, तो हम यहां पर x की जगह पे माइनस x रिप्लेस करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद f ऑफ माइनस x, हमने यहाँ f ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया, यानी यहां पे भी x है वहां पर हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, सो माइनस एक्स रेस टू फाइव वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू। यहां x की जगह पे माइनस रख दिया हमने, माइनस एक्स, x की जगह पे माइनस रख दिया, सो दिस इज इक्वल टू यहां पे माइनस की फाइव पावर करेंगे तो माइनस आएगा x रेस टू फाइव 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस चला गया यहां पे एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाय 2। अब फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, एक्स रेस टू 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाय 2, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें यहां पे मिला, देयरफॉर we can say f of x is odd function। तो हमें पता चल गया कि ये function odd है और limit है minus 2 से 2, तो
तो इसका हम यूज कर लेंगे. सो फंक्शन इज व्हाट, आंसर इज जीरो. सो इंटीग्रेशन माइनस टू टू प्लस टू एक्स रेस टू फाइव इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन पुट जीरो. सो दिस इज अवर आंसर. यहां पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. तो फ्रेंड अगर हमें बताया फंक्शन इवन ऑड है या हम इस तरह से पता लगा सकते हैं, और हमारी लिमिट माइनस ए टू ए टाइप की है, तो हम इस टाइप के एग्जांपल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स चेक अनदर एग्जांपल. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन क्यूब एक्स डीएक्स. अब यहां हमें पता है साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, लेकिन फिर भी हम एक बार उसे चेक कर लेते हैं यहां पे. सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन cube x. Now we start with f of minus x. So sine cube of minus x. इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, sine minus x raised to 3. Now sine function is odd function, so I can write minus sine x. This we can write because sin is odd function. तो ये minus बाहर आ गया. अब minus की हम यहाँ पे 3 power करेंगे, तो वो minus ही रहेगा, तो ये हो गया minus sin x raised to 3. तो ये हो गया minus, इसे हम लिख सकते हैं sin cube x. So this is what f of x. So we can write this is minus f of x. So f of minus x is equal to minus f of x. Therefore, we can say f of x is odd function. और हमारी लिमिट है minus pi to plus pi, यानी नीचे lower limit negative में, upper limit same positive में है. तो इसका answer भी integration from minus pi to pi sine cube x dx using this result, because it is odd function, we can write 0. So this is equal to 0. यहाँ पे भी हम reason लिख देते हैं, because f of x is odd function. तो जब भी limit minus a to a type की limit है, तो तुरंत हमें even odd function का ध्यान करना है, और f of x जो दिया हुआ वो इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से हमारा एग्जांपल बहुत ही इजीली हो जाएगा. अगर हमारा फंक्शन ऑड हुआ तो डायरेक्टली हम उसका आंसर जीरो रख देंगे. तो फ्रेंड हमें ये चीज जब भी लिमिट माइनस ए टू ए है तो तुरंत ये कंसेप्ट याद करना है. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय टू to plus pi by 2 x into sin x dx. So here function is f of x is equal to x into sin x. Now we know that x is odd function. Sin x is also odd function. So odd into odd is equal to even. तो ये जो f of x is equal to x into sin x है वो even function हो गया. लेकिन हम फिर भी इस definition को एक बार यहां पर check करते हैं. So we start with f of minus x. जहां पे भी x है वहां पे हम minus x replace कर देते हैं. So minus x into sin minus x. So minus x into sin minus x. यहां पे है sin is odd function, तो ये minus बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं minus of sin x, because sin is odd function, तो ये minus बाहर आ गया. Now if we multiply this, so this minus minus will become plus, तो ये हो गया x sin x. So x sin x is our original function. So f of x.
So we have started with f of minus x, and that is equal to f of x. So we can say that this function f of x is even function. एक हम इस तरह से कर सकते हैं, x is odd function, x की अगर odd power है तो हमेशा odd function होगा, तो यहाँ x की power 1, so x is odd function, sin x is odd function, so odd into odd is even, तो ये even function हो गया, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे f of minus x वाली जो हमारी definition है odd function की, वो हमने यहाँ पे odd even function की, वो हमने यहाँ पर prove की, so f of x is even function. Now इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डीएक्स. सिंस दिस फंक्शन इज इवन, तो अगर इवन फंक्शन है तो उसे हम लिख सकते हैं टू टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए की जगह पे हो जाएगा वो जीरो टू ए, तो ये लिमिट है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो ये हो जाएगी जीरो टू पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डीएक्स. तो अब हमें इस एग्जांपल को इवेल्युएट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो फॉर्मूला है उससे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो फॉर्मूला हम यहां पे एक बार लिखें, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ये ब्रैकेट में होल डी एक्स. तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला थी, तो इस मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं. यहां पे फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक है एक्स एक साइन एक्स, तो एक फंक्शन को हमें यू लेना है और एक फंक्शन को हमें वी लेना है. तो हम यू की प्रायोरिटी क्या लेंगे, तो हमने तब देखा था एल आई ए टी ई फर्स्ट प्रायोरिटी लॉगरिथम को, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर एलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एलजेब्रिक. तो यहां पे x जो है वो एलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम x की प्रायोरिटी लेंगे u और sin x हो जाएगा v. अब इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2 को हम बाहर ही रखते हैं, इसका हो जाएगा x u as it is इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u, तो u is x integration sin x dx this bracket over dx, और इस पूरे में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू पाई बाय 2. इसका इंटीग्रेशन आ जाने के बाद जो भी आंसर है उसमें हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 2 x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव होता है 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx ये ब्रैकेट पूरा हुआ 2 के लिए और हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 टू पाई बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस x cos x, ये हो गया 1 इंटू माइनस cos x इज माइनस cos x, माइनस को हम बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, दिस माइनस एंड माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x dx 0 टू पाई बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस x cos x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x 0 टू पाई बाय 2. तो ये इंटीग्रेशन यहां पर हो गया. अब हमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट जहां जहां भी x है वहां पर हम पाई बाय 2 रिप्लेस करेंगे, सो दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपर लिमिट है पाई बाय 2, सो माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस
साइन पाई बाई टू, तो ये अपर लिमिट हो गई माइनस, अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लोअर लिमिट है जीरो, तो यहां पे हो जाएगा माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो, और ये ब्रैकेट पूरा हुआ इसके लिए, सो दिस इज इक्वल टू टू माइनस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो माइनस पाई बाई टू इंटू जीरो प्लस साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू होती है वन, तो यहां पे हमने रख दिया वन, तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो इज जीरो प्लस साइन जीरो इज जीरो, सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ये पोर्शन हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, सो आंसर हमें मिला टू इंटू वन दैट इज टू, तो इस एग्जाम्पल का आंसर हो गया टू। तो फिर से फ्रेंड हमने यहां पे क्या किया, फंक्शन को चेक किया, इवन है या ऑड है, तो हमें मिला कि ये फंक्शन इवन है, सो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल हो गया टू टाइम्स जीरो टू पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला यूज कर दी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जो पूरा आंसर करें उसमें हमें फाइनली लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया इसका टू। तो ऑड फंक्शन है माइनस ए टू ए, तो आंसर जीरो, बहुत ही इजीली, कोई कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इवन फंक्शन है तो वो हो जाएगा टू टाइम्स जीरो टू ए, तो टू टाइम्स जीरो टू ए हो गया और फिर हमने उसे रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ फ्रेंड कि हमें जो यहां पे लोअर लिमिट है वो है जीरो, अपर लिमिट है पाई बाय टू, तो अगर हम ये लिमिट डायरेक्ट करते तो हमें माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू रिप्लेस करना पड़ता, तो माइनस पाई बाय टू हम रिप्लेस कर दे तो फिर से वहां पे हमें इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहां पे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमारी लिमिट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की जगह पे वो जीरो टू पाई बाय टू होगी और आगे हमें सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इवन केस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो ट्रिक है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की फ्रेंड वो आप देखिए, उस ट्रिक से इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बोथ द रिजल्ट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इन एग्जांपल्स को, कैसे प्रोसीड करते हैं वो आप इस एग्जांपल पर से ऑब्जर्व करिए। सो ये जो इंडिकेशन हमें दिया हुआ है इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, पहले लेट आई, इस एग्जांपल का हमने नाम दे दिया आई, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इस प्रॉपर्टी से x की जगह पर a माइनस एक्स लिख देंगे, तो हमारे केस में ये जो लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू, यानी यहां पर a की वैल्यू है पाई बाय टू, तो जहां पर भी x है वहां पर a माइनस एक्स, तो हमारे केस में जहां पर भी x है वहां पर हम लिख देंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम, इस इक्वेशन को हम कुछ नंबर दे देते हैं वन, क्योंकि इस रिजल्ट को हम फिर आगे यूज करेंगे। अब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू साइन x की जगह पे हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स, जहां जहां भी x है उन सब जगह पे हम पाई बाय टू माइनस एक्स कर देंगे अपॉन, ये साइन x है ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस, यहां पर भी एक्स है पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। तो यहां पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब फ्रेंड हम यहां पे साइन और कॉस का ये जो वैल्यूज है, सो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स,
हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलेस टीसी सर्कल और इस टाइप के रिलेशन पढ़े हुए हैं, तो पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, दिस विल बी कॉस एक्स, उसके आगे साइन देखनी है सो पाई बाय 2 माइनस समथिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव इसलिए यहां पे प्लस आएगा। सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 है इसलिए कॉस का साइन हो जाएगा, साइन एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी पॉजिटिव है वहां पे ऑल है तो यहां पे आगे प्लस आएगा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पे हम कॉस एक्स रख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पे हम साइन एक्स रख सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये फिर से कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स dx। तो ये जो हमें मिला ये भी i की ही वैल्यू, ये सब i कंटिन्यू हो रहे हैं यहां पर, तो ये i की वैल्यू ये थी और यहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद हमें i की वैल्यू ये मिली, तो इसे हम नंबर दे देते हैं 2। सो नाउ फ्रेंड्स वी विल यूज दिस 2 रिजल्ट, कैसे यूज करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम यहां पे ऐड कर देते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, सिमिलरली राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा i प्लस i, राइट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, सो दिस इज इक्वल टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई इज 2i, सो दिस इज इक्वल टू, जैसे हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं उसी तरह से उसे हम वापस भी ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यहां पे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट ओवर डीएक्स, सो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इसका डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मींस डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम यहां पे हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये दोनों सेम है रिजल्ट, तो ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर 2i is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx, so therefore 2i is equal to, इसका अगर हम integration कर दे तो answer x, limit substitute कर देते हैं 0 lower limit upper limit is pi by 2, so therefore 2i is equal to upper limit हो गई pi by 2 x की जगह पे minus lower limit is 0, so therefore 2i is equal to pi by 2, therefore i is equal to pi by 4, तो i की वैल्यू हमें pi by 4 मिल गई, ये 2 यहां पे डिनोमिनेटर में चला गया, now what was i क्या था हमारा, so i was this, तो integration 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x dx, this is equal to pi by 4, तो इस टाइप के जो भी एग्जांपल है फ्रेंड्स उसे हम f of x इंटीग्रेशन 0 टू f of x dx is equal to इंटीग्रेशन 0 टू f of a minus x dx की प्रॉपर्टी यूज करके बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये मेथड याद रखनी है कि हमने यहां पे इसको i ले लिया,
फिर इस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर दिया, इसे इक्वेशन वन ले लिया, फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ उसे हमने नंबर टू दे दिया, वन और टू को ऐड करिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई टू आई हो गया, राइट हैंड साइड में इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ उसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर पाएंगे, और फिर आई इज इक्वल टू टू उस साइड चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें आई की वैल्यू जो पाई बाय फोर मिल गई विच इज नथिंग बट दिस। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी है। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो यहां पे फिर से लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, इसे हमने नंबर दे दिया इक्वेशन वन। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, तो जहां भी x है x की जगह पे a माइनस एक्स, हमारे केस में a है पाई बाय 2, तो हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। नाउ वी नो दैट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स अपॉन रूट दिस विल बी कॉस एक्स प्लस रूट दिस विल बिकम साइन एक्स डीएक्स, सो दिस इज ऑल्सो आई, इसे हम नंबर दे देते हैं 2। तो आई हमें ये मिला इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमें इसका सिंप्लीफिकेशन ये मिला। नाउ सेम as we have done in last example, adding 1 and 2, left hand side में हमें मिल गया i plus i, right hand side में 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेकंड में से हमने ये राइट हैंड साइड लिख देते हैं, सो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट यहां पे हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स, सो दिस इज इक्वल टू 2 आई। इसे हम जैसे एडिशन में स्प्लिट करते हैं वैसे हम उनको साथ में ला रहे हैं, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां पर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बोथ आर सेम, तो उसे हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर हमें मिल गया रूट साइन एक्स और यहां पर रूट कॉस एक्स डीएक्स, तो दिस विल बी कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx, ये हमारा यहां पे 2i चल रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, तो अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, सो दिस इज पाई बाय 2, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2i, सो फ्रॉम दिस
आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 अपॉन 2, वो हो जाएगा पाई बाय 4, और जो हमारा आई था वो था इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इस टाइप के एग्जांपल की मेथड फिक्स है, हमें ये प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है x की जगह पे a माइनस एक्स, a इज अवर अपर लिमिट, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करिए, i प्लस i विल बिकम 2i, और फिर जो राइट हैंड साइड में मिलेगा उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो गया, फिर i को सब्जेक्ट बना दीजिए, यू विल गेट दी आंसर। सो आई होप फ्रेंड कि इस टाइप के एग्जाम्पल आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x बेस e dx, यहां पे लॉग का बेस e दिया हुआ है, अगर e नहीं भी दिया होता तो हम उसे e ही लेते, क्योंकि अगर कैलकुलस में बेस नहीं दिया तो हम उसे e कंसीडर करते हैं, अगर बेस कुछ स्पेसिफिक देना है तो वो लिखा हुआ होगा कि बेस tan है, सो इफ बेस इज नॉट गिवन वी विल ऑलवेज कंसीडर बेस एज e, तो यहां पे तो बेस e दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना है, फिर से हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे tan x की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, सो tan पाई बाय 2 माइनस x cot x हो जाएगा, फिर log के रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेथड हमने प्रीवियस एग्जांपल में की है वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log tan x बेस e dx। अब यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, इसे हम दे देते हैं नंबर 1, सो हियर वी यूज दिस प्रॉपर्टी, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ tan of x की जगह पे a minus x, a हमारे पास है pi by 2, so this will be pi by 2 minus x dx and here base is e, तो इसमें हमने x की जगह पे pi by 2 minus x रख दिया using this property। Now friend tan pi by 2 minus x क्या होता है वो हम देखते हैं, so tan pi by 2 minus x is equal to pi by 2 है, इसलिए tan का cot हो जाएगा, so cot x pi by 2 minus x, first quadrant है, all positive, तो यहाँ पर plus ही रहेगा, तो tan pi by 2 minus x की जगह पे हम cot x replace कर देंगे, so this will be equal to integration 0 to pi by 2 log of cot x बेस e dx, और इसे हम दे देते हैं नंबर 2, ये हमारा i है, तो हमें i की वैल्यू एक ये मिली और i की वैल्यू यही मिली दूसरी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो फिर से एडिंग 1 एंड 2 एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड i प्लस i, ऑन राइट हैंड साइड फर्स्ट में जो हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ tan x बेस e dx, प्लस सेकेंड रिजल्ट में राइट हैंड साइड है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cot x बेस e dx, सो दिस इज इक्वल टू यहां पे हो गया i प्लस i दैट इज 2i, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इसे हम साथ में ला दें तो log ऑफ tan x बेस e प्लस log ऑफ cot x बेस e dx। अब हम यहां पे log का रूल यूज कर लेंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log x into y, जो भी बेस हो उसके लिए दोनों के बेस सेम होने चाहिए, तो ये हो जाएगा
2i is equal to integration 0 to pi by 2 log of 10x into cot x dx. Therefore, 2i is equal to integration 0 to pi by 2. Now, we know that 10x into cot x is 1. Cot ko hum likh sakte hain 1 upon 10x. So, 10x cancel. So, 10x into cot x ka answer a jayega 1. So, this will be log. This is base e. So, log 1 base e. Ye ho gaya 1 dx. Now, we know that integration 0 to pi by 2. Log 1 की वैल्यू होती है 0, so therefore 2i is equal to this. अब 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा friend 0, definite integral of 0 from 0 to pi by 2, this will be 0, so 2i is equal to 0, therefore we can say i is equal to 0 by 2, so that is 0, तो i की वैल्यू हमें 0 मिली and i is nothing but our original example. So integration 0 to pi by 2 log of 10x base e dx is equal to 0. So this is the answer of our example. तो हमने ये last में इतने भी example किए, उन सभी में हमने similar method follow की है कि हमें जो result दिया हुआ है हमने उसको i नाम दे दिया, फिर हमने ये property use कर दी, x की जगह पर हमने a minus x रख दिया, उसका सिंपलीफिकेशन किया, उसे हमने रिजल्ट का नंबर दे दिया 2, तो 1 और 2 को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i, राइट हैंड साइड में जो भी ऐड हुआ, वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमें 2i का आंसर मिल गया, सो i इज इक्वल टू 2 को हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले गए, तो हमें i की जो ओरिजिनल हमारा एग्जांपल था उसकी वैल्यू बहुत ही इजीली मिल गई. सो आई होप फ्रेंड कि आप इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे. हमने इंटीग्रेशन की जितनी भी अलग-अलग टेक्निक्स देखी हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला हो, स्पेशल रिजल्ट हो, स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हो, या पार्शियल फ्रैक्शन हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, उन सब अलग-अलग टेक्निक्स को यूज करके हमने इंटीग्रेशन किया, और लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रल में हमने सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इनफ नहीं है. आपको अगर फाइनल एग्जाम में एग्जांपल सॉल्व करने हैं या आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सीखना है तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इस टाइप के एग्जांपल नहीं आ पाएंगे. तो सबसे पहले आप जो हमने जो भी लेक्चर्स में किया उन्हें देखिए, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला या रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को याद रखिए. मेथड जो है एग्जांपल की, कि किस एग्जांपल के लिए हमने किस टाइप की मेथड यूज की है, कौन सा रिजल्ट उसके लिए एप्लीकेबल है, वो सब आप देखिए और फिर आप बुक के एग्जांपल सॉल्व कीजिए, अनसॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी के पेपर के एग्जांपल कीजिए, तभी आप इंटीग्रेशन के एग्जांपल कर पाएंगे. अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के एग्जांपल की एप्लीकेशन, कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है, तो हमें यहां पे दो एप्लीकेशन, एरिया, फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन एरिया एंड सेकंड इज वॉल्यूम, वो दो फाइंड करनी है, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा.